आज की क्लास में हम पिवट टेबल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। पिवट टेबल पहले जानिए हम पिवट टेबल की यूज करते क्यों। बेसिकली पिवट टेबल का यूज होता है डेटा को समराइज एनालाइज एंड रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑफिस के अंदर में जब भी कोई रिपोर्ट हम बनाते हैं उसका मेन पर्पस होता है समरी ऑफ द डेटा, और पिवट टेबल भी डेटा की समराइजेशन ही कहलाता है। और पिवट टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हम स्लोली पढ़ेंगे, ठीक है। पिवट टेबल को जानिए, पिवट टेबल के अंदर जो डेटा है उसको जानिए। तो यहाँ पे सीरियल नंबर है, डेट है, नेम है, सिटी है, कोर्स है, क्वांटिटी, एमआरपी एंड मंथ। अब मुझे इसमें समरी बनानी है। तो समरी में मैं चाहता हूँ कि किस पर्सन ने किस महीने कितना सेल किया, बस ये जानना चाहता हूँ। तो कुछ नहीं करना है, पिवट टेबल पे जाइए, इंसर्ट पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ अगर मैं ओके करता हूँ तो एक नई सीट इंसर्ट होगी, उसमें पिवट ऐड हो जाएगा। लेकिन आपको किसी पर्टिकुलर शीट पे जाना है तो एडिशन वर्कशीट को सिलेक्ट कीजिए, बी समरी पे जाके उसको क्लिक कीजिए एंड ओके कर दीजिए। आ गया। और फिर हम यहाँ पे नेम रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रखते हैं क्वांटिटी। तो ये हमारी टोटल दिख गई। तो नेम को रो में रखा ताकि डेटा रो में आ जाए, उठा कर अगर मैं उसको कॉलम में रखता हूँ तो कॉलम आ जाएगा, तो रो में रो वाइज। और हमने क्वांटिटी को यहाँ वैल्यू में रखा क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए टोटल, मुझे चाहिए टोटल, राइट। तो यहां पे लिखता हूं मैं नेम, नेम यहां लिखता हूं टोटल, और हम ये हमारा आ गया। तो तुम चेंज कर सकते, मैं हेडिंग को और इसको हम आपस में चेंज कर सकते। किसको चेंज नहीं कर सकते, तो हम जो वैल्यू है ना इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर इसमें किस तरह का चेंज करेंगे तो दिक्कत होगी, तो इसको चेंज नहीं कर सकते, बाकी सब चेंज कर सकते। अब यहां ये तो हो गए, अब इसमें आगे बढ़ते। अब मान लीजिए कि मुझे ये तो ठीक है, मुझे चार्ट बनानी है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट, आप चार्ट इंसर्ट कर लीजिए। ये आपकी रिपोर्ट बन गई, इसकी चार्ट की फॉर्मेटिंग कर दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए और इसको भेज सकते हैं आसानी से। अब चलिए डेटा समराइजेशन को पूरी अच्छे तरीके से समझते हैं। तो हम डेटा में जाते हैं, एक बार और पिवट टेबल लगाते हैं, उसके बाद यहाँ इंडेक्सेस वर्कशीट में आता हूँ, पी समरी में। पी समरी में आने के बाद इसको सिलेक्ट करके ओके करता हूँ, और यहाँ हम जो है नेम को यहाँ रखता हूँ और क्वांटिटी हम यहाँ रखता हूँ। क्वांटिटी आ गई, मुझे मान लीजिए एमआरपी रखना है, बट मैं एमआरपी का टोटल नहीं करना चाहता हूँ, मैं एमआरपी का एवरेज निकालना चाहता हूँ। तो वैल्यू फिल सेटिंग में जाइए और यहाँ हम क्या करेंगे, एवरेज सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपका एवरेज निकल गया, बट एवरेज निकालते समय इधर के पॉइंट्स में आ गई। तो हम क्या करेंगे कि वैल्यू फिल सेटिंग में जाएंगे, यहाँ आपको दिख रहा होगा नंबर फॉर्मेट, इस नंबर फॉर्मेट पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद क्लिक करने के बाद मैं यहां पे कस्टम पे जाके जीरो कर दिया, एंड ओके। इस तरह से कर सकते, हालांकि मैं फॉर्मेट में जाके यहां भी कर सकता था, बट ये पिवट का पार्ट नहीं होता, बाद में हो सकता है चेंज होने के चांसेस। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब चलिए एवरेज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे सिटी वाइज और नेम वाइज रिपोर्ट चाहिए। तो सिटी को उठा के हमने रख दिया किसमें, कॉलम में। अब यहाँ पे रखने पे एक दिक्कत है कि ब्लैंक आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि नहीं ब्लैंक नहीं आया, जीरो आया। तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ चला जाता हूँ पिवट टेबल ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पे हम जीरो लिख देते, जो भी चाहते हैं जीरो के जगह पे, तो यहाँ पे शो हो जाएगा। बट याद रखिएगा, हम कॉलम वाइज तभी अपना पिवट टेबल बनाते हैं जब हमारे पास कॉलम के अंदर फील्ड कम होते हैं। कल के डेट में अगर फील्ड ज्यादा हो गए तो एक कॉलम वाइज आगे करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको उठा के इसके अंदर रो में रख देते हैं, तो रो में आ जाता है। या स्विच भी कर सकते हैं इस तरह से, इस तरह से आप स्विच भी कर सकते हैं। या सिटी नहीं चाहिए, मंथ चाहिए, तो मैंने यहाँ पे मंथ लिया, मंथ रख दिया, स्विच भी कर सकते इस तरह से।
और मेन एक ही बंदा है, इस कारण से दिक्कत हो रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि एक ही कॉलम में मंथ भी है, एक ही कॉलम में नेम भी है। अब इसको कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्ट को कॉपी करते हैं, कॉपी करके किसी और शीट पे इसको हम पेस्ट एज वैल्यू करते हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया, कौन सा मंथ कौन सा नेम है, तो एक ही कॉलम में आ गया। तो हम चाहते हैं अलग अलग कॉलम में, कि पहले कॉलम में मंथ है, उसके अगले कॉलम में मेरा नेम है, या उसके बाद सिटी है। तो इसके लिए आपको पिवट पे क्लिक करके ऊपर जो है एनालाइज पे, यहाँ पे हाँ डिजाइन, माफ कीजिएगा, डिजाइन पे जाएंगे। और यहाँ पे दिख रहा होगा टेबुलर फॉर्म, इस टेबुलर फॉर्म पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देख रहे हैं टोटल भी आ गया, मुझे टोटल नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक करके यहाँ से सब टोटल हटा सकते हैं, या सब टोटल, एक मिनट, राइट क्लिक करके सब टोटल मंथ, सब टोटल मंथ हट गया। तो इस तरह से सब टोटल मंथ को भी हम हटा सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि मैं, सॉरी, यहां पे फिर समझ में, इस बार मैं मंथ हटा के एक काम करता हूँ, यहाँ पे कोर्स रखता हूँ। ये सही है, राइट क्लिक किया और यहाँ से सब टोटल हटा, कोर्स हटा दिया, हट गया कोर्स। अब मुझे इसको आपस में क्या करना है, रिपीट करना है, क्योंकि इसको कॉपी करने में प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि फिल्टर वगैरह लगाएंगे तो इसी का दिखेगा, इसका तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ हम जाते हैं, डिजाइन में ही, यहीं पे दिखेगा आपको रिपीट ऑल आइटम टेबल, देखिए रिपीट हो गया। पहले मुझे ब्लैंक रो चाहिए होता है, तो इंसर्ट ब्लैंक रो, तो एक दूसरे के बीच में इस तरह के ब्लैंक लाइन इंसर्ट कर देता है। रिमूव ब्लैंक, तो देखिए ब्लैंक को रिमूव कर दिया। मुझे रिपीट भी नहीं करना है, नॉट रिपीट, मुझे इस पे मर्ज करना है। इसको सिलेक्ट करके मुझे क्या करना है, मर्ज करना है। तो राइट क्लिक करते हैं पिवट टेबल ऑप्शंस, क्योंकि डायरेक्टली मर्ज नहीं कर सकते, तो पिवट टेबल ऑप्शन पे जाते हैं और यहीं पे दिखेगा मर्ज एज एंड सेंट्रल, क्लिक कीजिए, ये आपका मर्ज हो गया। ओके, इस तरह से हम इसको मर्ज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर कुछ ये आपको नहीं लग माइनस, रहा? ये सर ये समरी पार्ट टू में आइए। हेलो, हाँ बोलिए। समरी पार्ट सर, ये बटन काय का है, माइनस जैसे हर हाँ, जगह लिखा है ये कोर्स होता है के। कोलैप्स एक्सप्लेन, जैसे कभी कभी तो दो लेते हैं ना, तो इसको कोलैप्स का, यहाँ पे आप जाएंगे तो पूरे एक साथ कर सकते हैं कोलैप्स। इस तरह क्या होगा, जस्ट आपको सिटी ए कोर्स वाइज मिल गया। अब बी आई पे क्लिक करूंगा तो बी आई को किस किसने परचेज किया है उसका लिस्ट दिख जाएगा, अच्छा, ठीक है ना। यहाँ ठीक से है। मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो एक्सपेंड हो जाएगा, ये हटाना चाहता हूँ तो प्लस माइनस बटन यहाँ से हटा सकते हैं आप, अच्छा, ठीक है, समझ ठीक है सर। आ गया। जी हाँ सर, जी अब बात करते हैं पिवट, ये समझ में आएगा समरी कैसे बनता है सर, कोई नहीं दिक्कत नहीं इसमें? नहीं सर, अब बात करते हैं पिवट टेबल में सॉर्टिंग, फिल्टर, मूविंग एंड ग्रुपिंग के बारे में। तो पिवट टेबल पर आते हैं, इस वक्त भी सिलेक्ट करके हम चले जाते हैं इस एंड ओके। उसके बाद अब बात करते हैं सबसे पहले सॉर्टिंग की। जैसे सिटी वाइज हमने यहाँ पे क्वांटिटी का टोटल ले लिया, ठीक है, मुझे इसको सॉर्ट करना है। राइट क्लिक करके सॉर्ट किया तो सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, या फिर शॉर्ट ए टू जे, तो जिस पे कर्सर रखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा शॉर्ट होगा। लेकिन जब आप दो रखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कोर्स को भी इसके नीचे रख दिया,
अगर मैं सिटी के सामने सिलेक्ट करता हूँ, शॉर्ट करता हूँ, तो सिटी बाई शॉर्ट होगा। अगर मैं शॉर्ट और मैं कर्सर रखता हूँ बीआई के आगे तो शॉर्ट करता हूँ, तो बीआई के अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा। समझ गए? तो इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा। अब बात करते हैं शॉर्ट के बाद मूविंग के बारे में। जैसे दिल्ली सबसे ऊपर है और ये आपका उदयपुर सबसे नीचे है। मैं चाहता हूं कि जो जीजीएन है, जो नोएडा है, दिल्ली के बगल में, तो हम इसको माउस पॉइंटर से इस तरह से उठा के मूव कर सकते हैं, या फिर तो इस पे राइट क्लिक करेंगे तो ये आपका मूव का ऑप्शन आता है। इस तरह से हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे अगर मंथ को या डेटा टाइप को यहाँ रखता हूँ तो क्या होता है? नहीं, डेटा टाइप नहीं होगा, बहुत ज्यादा आगे डी टाइप, एक मिनट, डी टाइप क्यों इसमें आ रहा है? हाँ, अब यहाँ पे मान लीजिए कोर्स को कॉलम में रखते हैं, तो हम कॉलम वाइज भी मूविंग एंड सॉर्टिंग कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आप यहाँ भी सॉर्ट कर सकते हैं। और मूव जैसे कि मैं चाहता हूँ कि भाई एक्सेल सबसे पहले आ, तुमने लिया और एक्सेल को उठा कर दिया, एक्सेल के बाद वीवी आया तो लिया और वीवी के बगल में रख दिया। ठीक है ना? उसके बाद जो है डैशबोर्ड है, बीआई के बाद डैशबोर्ड है, इस तरह से मूव कर सकते हैं। यहाँ बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। फिल्टर जैसे मान लीजिए ब्लैंक है, मुझे ब्लैंक नहीं शो करना है, तो फिल्टर बेसिकली तीन तरह के होते हैं। पहला फिल्टर आ गया आपका रो फिल्टर, मतलब तो यहाँ से जिस रो का डेटा को सिलेक्ट करेंगे वही डेटा यहाँ पे दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे वैल्यू फिल्टर भी है जिसमें एक सारे कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पे लेवल फिल्टर है, वैल्यू फिल्टर, लेवल फिल्टर जो है ये जो लेवल है इस पे वर्क करेगा, वैल्यू फिल्टर जो इसकी वैल्यू है उस पे वर्क करेगा। ठीक है सर? उसके बाद यहाँ कॉलम में भी है सेम, यहाँ भी कंडीशन लगा सकते हैं। इसके अलावा जो सिलेक्ट करें, जैसे मान लीजिए मुझे ब्लैंक नहीं चाहिए तो ओके कर दिया, देखिए ब्लैंक शो नहीं करेगा। तो जो आप जो सेलेक्ट कर सकते सिलेक्ट कर सकते हैं डेटा के अंदर, लेकिन मैं चाहता हूँ पूरा ओवरऑल डेटा जो है शॉर्ट हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पेज फिल्टर। जैसे कि मैंने नेम को लिया और पेज फिल्टर में डाल दिया, या नेम के नीचे मैंने मंथ लिया और मंथ को डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ मैं सिलेक्ट कर, मान लीजिए सिलेक्ट किया पूजा एंड ओके किया, तो सिर्फ पूजा का डेटा ही शो होगा, ओवरऑल डेटा शो नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुपिंग के बारे में। इसमें ग्रुपिंग जैसे दिल्ली है, नोएडा है, जीजीएन है, मैं चाहता हूँ तीनों एक ही दिखे, दिल्ली एनसीआर, तो तीनों का मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल से कीजिए या नॉर्मल कीजिए, राइट क्लिक, मैंने कर दिया यहाँ पे ग्रुप, ग्रुप कर दिया। और यहाँ पे ग्रुप वन आ गया, अब यहाँ पे दैट सिटी टू और सिटी आ गया, तो सिटी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे ग्रुप वन को चेंज कर सकता हूँ दिल्ली एंड एनसीआर। ठीक है, लेकिन अगर ग्रुपिंग में हम बात करते हैं नंबर की ग्रुपिंग बात करते हैं, सॉरी टेक्स्ट ग्रुपिंग के बाद हम बात करते हैं नंबर की ग्रुपिंग। तो जैसे मेरे पास डेटा है क्वांटिटी एमआरपी है, मैं चाह रहा जानना चाहता हूँ कि किस प्राइस रेंज पे कितना क्वांटिटी सेल हो रहा है, या किस क्वांटिटी रेंज पे कौन सा प्राइस रेंज मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ओके कर, ओके किया। अब मैंने यहाँ पे एमआरपी को रख दिया, यहाँ पे क्वांटिटी रख दिया, तो दिख रहा है कि 2020 के 76 क्वांटिटी बिके हैं, 2028 में 58 बिके, इस तरह से सिक्वेंसी नंबरों का दिक्कत हो रहा है ना, एक स्लैब रह जाते हैं, 1000 से 2000, 2000 से 3000, इस तरह से। तो इस नंबर पर राइट क्लिक करेंगे और चले जाएंगे ग्रुप पे। ग्रुप में जाने के बाद ये मिनिमम मैक्सिमम ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो अब यहाँ चेंज कर सकते हैं कि भाई मुझे 5000 मैक्सिमम है, तो मैं 0 से 5000 कर दिया, और मुझे हजार हजार के ग्रुप चाहिए, यहाँ पे हजार कर दिया एंड ओके। अब देखिए 0 ब्लैंक के बीच में इतना है,
2000 से 3000 इतना, 3 से 4000 इतना, तो सिंपली आपको यहाँ दिख जाएगा। लेकिन अगर इसी बात करते डेट ग्रुपिंग, जैसे डेट है मेरा, मैं मंथली अर्ली इस तरह से चाहता हूँ, तो हम डेट को भी ग्रुप कर सकते हैं। चलिए डेट ग्रुप करके बताते हैं आपको। यहाँ पे हम डेट को रखते हैं, तो डेट जब रखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो ग्रुप हो जाता है। लेकिन इसकी ग्रुपिंग को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें और चले जाएं ग्रुप में, और ग्रुप में जाके मुझे ग्रुप चाहिए मान लीजिए मंथ वाइज, ये देखिए मंथ वाइज ग्रुप आ गया। ये मुझे ग्रुप चाहिए क्वार्टर वाइज, क्वार्टर वाइज आएगा। मुझे ना मंथ क्वार्टर मंथ दोनों चाहिए, तो दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं कहाँ से, ग्रुप में जाके। देखिए यहाँ पे है ना, क्वार्टर मंथ दोनों कर लीजिए, या सिर्फ क्वार्टर कर लीजिए, या ईयर कर लीजिए, या ईयर मंथ कर लीजिए, जो ग्रुप करना चाहते हैं वो सब आपका यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन मैं 15-15 दिन का ग्रुप चाहता हूँ, तो 15-15 ग्रुप में सिर्फ डेज को सिलेक्ट कीजिए, सिर्फ डेज। तो ये देखिए नंबर ऑफ डेज एक्टिवेट हो जाएगा, 15 डालिए एंड ओके कीजिए, ये यहाँ आपको दिख जाएगा। अब आपको डाउट लग रहा है, मुझे शक लग रहा है कि जो 660 आया है ये डेटा गया है, तो आप जाके डेटा में फिल्टर करेंगे, तो फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पे आइए, जस्ट इस पे डबल क्लिक कीजिए, एक नई शीट में कॉपी पेस्ट कर देगा। कर दिया एक नई शीट में कॉपी पेस्ट सर, समझे? यस सर, यस नई शीट में कॉपी पेस्ट कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं नहीं ये चीज नहीं होनी चाहिए, डिलीट हो गया। वैसे ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो राइट क्लिक कीजिए और यहां चले जाइए पिवट टेबल ऑप्शंस पे, और यहां डेटा पे यार एनेबल शो डिटेल्स, इसको अनचेक कर दीजिए एंड ओके। एंड इस पर जब डबल क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर। जैसे कि बताया कि पिवट टेबल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक बार में नहीं, इसको थोड़ा सा टुकड़ों में पढ़ते हैं, तो अगली क्लास में हम कैलकुलेशंस के बारे में जानेंगे, ठीक है? ठीक है, अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चंस को आप एक बार सॉल्व करें, ठीक है? फाइल भेज दे रहा हूँ आपको ग्रुप में, ठीक है जी। तो डाउट होगा तो आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए।